नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश चंद्रा फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बनाई हूँ। आज मैं आपके लिए केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग का एक न्यू टॉपिक nth ऑर्डर रिएक्शन और इसकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लेके आया हूँ। ठीक है, आज के टॉपिक में हम nth ऑर्डर रिएक्शंस की इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले लेट अस ए गिव्स पी। क्या है? एक रिएक्शन है जिसका ऑर्डर क्या है? nth ऑर्डर है। nth ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। इसका रेट एक्सप्रेशन माइनस आर ए बराबर माइनस डी सी ए अपॉन डी टी बराबर के सी ए की पावर एन। ठीक है, बी नो डेट सी ए बराबर सी ए नॉट वन माइनस एक्स ए माइनस डी अपॉन डी टी। सी ए की वैल्यू सी ए नॉट वन माइनस एक्स ए रख दी बराबर के सी ए नॉट एन वन माइनस एक्स ए का होल पावर है। ठीक है, इसका डिफरेंशियल किया तो प्लस सी ए नॉट डी एक्स ए अपॉन डी टी बराबर के सी ए नॉट की पावर एन वन माइनस एक्स ए की पावर एन डी एक्स ए अपॉन वन ब्रैकेट में वन माइनस एक्स ए की पावर एन बराबर के सी ए नॉट एन माइनस वन डी टी। दोनों तरफ इंटीग्रल कर दिया, इंटीग्रल की लिमिट जीरो टू टी और जीरो टू एक्स ए। इसका इंटीग्रल किया तो वन माइनस एक्स ए की पावर एन प्लस वन अपॉन माइनस एन प्लस वन और माइनस लिमिट एक्स ए टू जीरो जीरो टू एक्स ए बराबर के सी ए नॉट की पावर एन माइनस वन टी। लिमिट लगाने पर वन माइनस एक्स ए की पावर एन प्लस वन माइनस एन प्लस वन माइनस वन बराबर एन माइनस वन के सी ए नॉट एन माइनस वन टी। इक्वेशन वन, इक्वेशन वन रिप्रेजेंट इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ कन्वर्जन। ठीक है, ये क्या है? एक इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन है। कन्वर्जन के टर्म्स में अगर हम इसका ग्राफ खींचेंगे तो एक्स अक्ष पर टी और वाई अक्ष पर वन माइनस एक्स ए की पावर माइनस एन प्लस वन माइनस वन। ठीक है, और ये एक स्ट्रेट लाइन जाएगी जिसका स्लोप एम बराबर एन माइनस वन के सी ए नॉट एन माइनस वन होगा। अब कंसंट्रेशन की टर्म्स में मुझे फाइंड आउट करना है। कंसंट्रेशन की टर्म्स में फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन वन में वन माइनस एक्स ए की वैल्यू पुट कर देंगे
ठीक है, किससे, इस वाले रिलेशनशिप से सी ए बराबर सी ए नॉट ब्रैकेट में वन माइनस एक्स ए, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन वन, इसकी जगह पे मैंने सी ए अपॉन सी ए नॉट की पावर माइनस एन प्लस वन रख दिया, माइनस वन बराबर एन माइनस वन के सी ए नॉट एन माइनस वन टी। अब मैंने इसे पलट के लिख लिया, सी ए नॉट अपॉन सी ए और इसकी पावर हो गई एन माइनस वन माइनस एन माइनस वन बराबर एन माइनस वन के सी ए नॉट एन माइनस वन टी। इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने पर सी ए एन माइनस वन इंटू सी ए नॉट एन माइनस वन, ठीक है, इस वाली टर्म्स को भी मैंने आरएचएस साइड लेके आ गया, एलएचएस साइड लेके आ गया, तो ये हो जाएगा हमारा सी ए नॉट की पावर एन माइनस वन माइनस सी ए की पावर एन माइनस वन बराबर एन माइनस वन के टी, वन अपॉन सी ए की पावर एन माइनस वन माइनस वन अपॉन सी ए नॉट की पावर एन माइनस वन और एन माइनस वन के टी। इसे इक्वेशन टू दे दिया, इक्वेशन टू रिप्रेजेंट इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। अब अगर इसका ग्राफ खींचेंगे तो बाई अक्ष पर वन अपॉन सी ए की पावर एन माइनस वन, वन अपॉन सी ए नॉट की पावर एन माइनस वन और टी, और ये ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन जाएगी जिसका स्लोप, ठीक है, एम बराबर एन माइनस वन के होगा, ठीक है। अब इसमें हाफ लाइफ और लगाएंगे, ठीक है, हाफ लाइफ होता क्या है, हाफ लाइफ वह टाइम पीरियड होता है जिसमें रिएक्टेंट अपने इनिशियल अमाउंट का आधा रह जाता है, ठीक है, व्हेन सी ए बराबर सी ए नॉट बाई टू देन टी बराबर टी हाफ, ठीक है। इसको इक्वेशन टू में रखेंगे तो ये हो जाएगा टू अपॉन सी ए नॉट की पावर एन माइनस वन, वन अपॉन सी ए नॉट की पावर एन माइनस वन बराबर एन माइनस वन के टी हाफ। इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा सी ए नॉट एन माइनस वन टू की पावर एन माइनस वन माइनस वन बराबर एन माइनस वन के टी हाफ, ठीक है। इससे इक्वेशन थ्री दे दी, इक्वेशन थ्री रिप्रेजेंट रिलेशन बिटवीन इनिशियल कंसंट्रेशन एंड
हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, जो इक्वेशन थ्री है वो रिप्रेजेंट करती है हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन और अर्थ आयु काल में रिलेशनशिप। इन तीनों इक्वेशन की सहायता से हम किसी भी ऑर्डर को ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।